morning dear children, welcome to PARS online classes. Today we are going to start the new chapter of social studies, temperate grasslands. But bachcho, grasslands kya hote hain? Jaise naam se pata lag raha hai, grass. Grasslands are the lands with grasses as the dominant vegetation. Matlab aisi land jahan mein dur dur tak grass dikhti hai. Trees and large shrubs are absent. यहाँ पे ट्रीज और श्रब्स, श्रब्स क्या होते हैं, जो थोड़े से बड़े पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, और ट्रीज होते हैं, ये यहाँ पे रेयरली फाउंड होते हैं और दे आर एब्सेंट. अ लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद देम. और जो ग्रासलैंड्स हैं, अर्थ का बहुत सारा पार्ट जो है इनसे कवर्ड है. मैनी ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द टेम्परेट रीजन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्कटिक सर्कल इन सदर्न हेमिस्फीयर. अब ग्रासलैंड्स को टेम्परेट क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर फाउंड इन टेम्परेट रीजन्स. जैसे हमने लास्ट क्लास ट्यूटोरियल से पढ़ा था कि टेम्परेट क्या होता है, वो एरियाज, वो अर्थ का जोन जहाँ पे जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट रहता है, नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड. तो ये ग्रासलैंड्स कहाँ लाए करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, और सदर्न हेमिस्फीयर में बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्कटिक सर्कल. अब वर्ल्ड में बहुत जितने भी कॉन्टिनेंट्स कहीं कहीं पे टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, और उन टेम्परेट ग्रासलैंड्स के अलग अलग नेम्स हैं. फॉर एग्जांपल इन एशिया एंड यूरोप, वहाँ के जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं दे आर नोन एज स्टेपीज. इन नॉर्थ अमेरिका दे आर नोन एज प्रेरीज. इन साउथ अमेरिका दे आर कॉल्ड पैम्पर्स. इन साउथ अफ्रीका दे आर कॉल्ड बेल्ट्स. एंड इन ऑस्ट्रेलिया दे आर नोन एज टाउन्स. दीज आर द नेम्स ऑफ डिफरेंट ग्रासलैंड्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स. Now we are going to study about the climate in temperate grasslands. As the name is telling temperate, तो grasslands में जो temperature है वो mild रहता है, moderate रहता है, because it gets slanting sun rays for the complete year. Now temperate grasslands have longer days and shorter nights in summer season and vice versa. Means उल्टा हो जाता है winter season में, days are shorter than nights in winter season. Summer season में जो है वो days long होते हैं और विंटर सीजन में नाइट्स लॉन्ग होती. बट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द टेम्परेट ग्रासलैंड एक्सपीरियंसेस हॉट समर एंड कोल्ड विंटर्स. एज आई टोल्ड यू, जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है और सदर्न हेमिस्फीयर में भी है. जो पार्ट टेम्परेट ग्रासलैंड्स का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, वहां पे जो समर्स है वो हॉट होती है और जो विंटर्स है वो कोल्ड होती है. बट इन सदर्न हेमिस्फीयर प्लेसेस आर लोकेटेड नियर द कोस्ट. जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ के जो प्लेसेस हैं वो ज़्यादातर कोस्टल एरियाज हैं, मीन्स दे आर नियर द ओशन और सीज. और जो भी एरियाज कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो कंप्लीट ईयर तक एक जैसा होता है. वहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है. सो द क्लाइमेट इज माइल्ड एंड क्रॉप्स कैन बी ग्रोन फॉर द कम्प्लीट ईयर. पूरे साल तक वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं. नाउ कम्स द टेम्परेचर ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड्स. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो टेम्परेचर होता है वो समर्स में होता है अराउंड 38 डिग्री सेल्सियस और विंटर्स में वो ड्रॉप हो जाता है अबाउट -20 डिग्री सेल्सियस. और यहाँ का जो रेनफॉल है इट इज़ बिटवीन 50-70 सेंटीमीटर एनुअली. लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में जैसे मैंने तुम्हें बताया वो कोस्टल एरियाज के पास है, तो वहाँ टेम्परेचर ऑलमोस्ट एक जैसा रहता है पूरे साल, अराउंड 18 डिग्री सेल्सियस फॉर द कम्प्लीट ईयर. Now in today's class we studied about what are temperate grasslands, what are the names of different temperate grasslands in different continents, and we studied about the climate of temperate grasslands. Thank you and have a nice day.